केन्द्रीय बंगोपसगर में सृष्ट लघुचाप एवं वेलमार्क लो प्रेशर रूप नहीं 24 घंटे गभीर अवपात रूप नहीं पारे। यह उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करी ओडिशा उपकूल दे पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल अतिक्रम करिबार संभावना रही। यार प्रभाव में 24 तारीख जाए राज्यर किछि जिल्लारे प्रबल अति प्रबल वर्षा लागि रहिबो। 24 घंटा मध्य गंजाम और गजपति जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना थिबारु दुई जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। पुरी जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर रायगढ़ कोरापुट और मालकानगिरी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। आठटी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही। लघुचाप प्रभाव में राज्यर अनेक जिले में वर्षा जारी रही। दक्षिण उपकूल उत्तर ओडिशा और उत्तर उपकूल ओडिशा समेत मयूरभंज कोरापुट मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा संभावना थिबारु भूस्खलन एवं कच्चा घर भुशुड़ी जिबार आशंका करा जाउछि। उपकूलवर्ती अंचल में 40-50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो एवं गस्टिंग विंड 65 किलोमीटर पर्यंत रही पारे। तेणु 24 तारीख जाए समुद्र भितरक न जावाई मत्स्यजीवी मानक बारण कर भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र आज 24 तारीख पर्यंत अधा ओडिशा वर्षा होगा द्वारा तळिया अंचल में जलबंदी समस्या सृष्टि होवार आशंका रही। एथर लघुचाप वर्षा दुर्गा पूजा को भसाइब बोली आशंका करा जाउछि। At most places with heavy to very heavy falls at isolated places over coastal districts of West Bengal, coastal districts of North Odisha and also the northeastern states. The intensity will be maximum on 22nd over north coastal district of Odisha, on 22nd and 23rd over Gangetic West Bengal and over northeastern states on 23rd and 24th. As you can see, we are expecting maximum rainfall activity over northeastern states on 23rd and 24th. Coastal Odisha mein most places mein barish hone ka chances hai aur heavy to very heavy rainfall ka chances hai. To isme hamara first and foremost jo hai aaj नाइट से 24 तारीख तक फिशरमैन को समुद्र जाना के लिए मना है। 24 तारीख सुधा से माने हमारे जो वेस्ट बंगाल बॉर्डर पाखापाखि पहुँच 24 तारीख वेस्ट बंगाल बॉर्डर क्रॉस कर भी पारे। 23 तारीख पर्यंत वर्षार प्रभाव अधिक रहइब। संपर्क अधिक सूचना पाई अमिय रंजन सिंह आम प्रतिनिधि फोन लाइन रोचे आम सहित अमिय निश्चित भाव में जेहेतु ओडिशा उपकूल दे पश्चिमबंग मुहाइब ए जो गभीर अवपात रही जहाँकि लघुचाप्र रूप नेब तेणु वर्तमान पाई को जिला को वार्निंग सब जारी कर विशेषकर बंदरगुड़िक विपद संकेत केत दि जाऊँगी केत नंबर विपद संकेत दि जाऊँगी मोटामोटी स्थिति कौन रही पारे पापागर देखते पापग निर्देशक जहां सूचना रही है कि बर्तमान यार गति नर्थ ईस्ट को रही है अनुमान कर 24 अर्थात 48 घंटा पर नर्थ नर्थ ईस्ट टुवर्ड्स अनुमान सबसे बड़ कथा होगी यह वेलफेयर लो प्रेशर परिणत हो 48 घंटा पर्यटन यार प्रभाव होता है डिप्रेशन डिप्रेशन पर्यटन जीवार जहां निश्चित भाव में गए चिंताजनक कथापर कारण वर्षार परिमाण अधिक रहा कारण यार मैक्सिमम समय जेहतु कहकूल उपकूल बेल्ट देखिए जीव अर्थात बांग्लादेश और वेस्ट बेंगल प्रतीक जहां पर्यटन यार प्रभाव ओडिशा पड़े अनुमान कराफल की वर्षा तो गत काल आरंभ सारी और अनुमान कर 24 तारीख पर्यटन वर्षा हो जमी आप सूचना रखुते चलित बर्ष कोरोना महामारी जदि पूजा पदा बढ़ी और निरंबर भाव में पूजा करने मुख्यमंत्री निर्देश देते कि अनुमान अन्य पक्ष संपूर्ण जो लघुचाप प्रभाव में राज्य में वर्षा चल पूजा पदा गोटे प्रकार पूरा फिका पड़ू कि जेहेतु बर्तमान यार प्रभाव रही है आसंता 24 घंटा में आप देखुते पुरी जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर रायगढ़ कोरापुट मालकानगिरी येलो वार्निंग जारी कर अन्य पक्ष देखा गंजाम गजपति को ऑरेंज अलर्ट जारी कर सबुठ बड़ कथा रोचे मौसुमी आम देखते पूर्व दक्षिण ओडिशा कथा पूर्व सरकार पूर्व काफी दिन आगे सतर्क सूचना आगुआ नहीं जिलापाल सजा करा कि स्थान में देखते लोक स्थानांतरित कर मुख्य कारण रहता जो पूर्व जो अपवाद रहता जहाँफल की वर्षा परिमाण ये होता है नदी नदी पानी क्रस करता पास भूस्खलन पता किंतु लघुचाप फरवर आउे किसी जदि जनजीवन नष्ट तेणु प्रशासन पूरा सजाग रखा अन्य देखा उपकूलवर्ती अंचल यहाँ की प्रभाव अधिक रही कारण जेहतु पवन गति कथा कहला होती है जितने यहाँ 45-55 किसी समय दरकार पड़े यहाँ 60-65 किलोमीटर पवन पड़े अनुमान तेणु कोस्टल डिस्ट्रिक्ट
ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଫିସରମାନଙ୍କୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାରଣ କରିଦେଇଛି। ବିଲକୁଲ ଅମୀୟ, ଇଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସତର୍କତା ମୂଳକ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି କି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଗଜପତି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।